यूनिक एम स्टडी पर एक बार फिर से साथियों आपका स्वागत है। मित्रों आपको पता ही है कि अभी काफ़ी भर्तियां चल रही है और उनका रिजल्ट आ चुका है। उनमें भर्तियों में क्या है कि आपसे लगभग भर्तियों के अंदर आपको प्रैक्टिकल पूछा जाता है। जैसे आपका एग्जाम फर्स्ट हो गया उसके बाद आपको प्रैक्टिकल पूछा जाता है, तो इससे संबंधित क्या है आपको प्रैक्टिकल की भी जानकारी होने आवश्यकता है। तो इनमें कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया कि कौन से प्रैक्टिकल आपके हर भर्ती के अंदर इंपॉर्टेंट है वो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक चार भर्तियों के प्रैक्टिकल दे चुका है, उनमें यही प्रैक्टिकल आते थे। तो इसलिए आपको ये जानकारी मैंने दे दी है, आपको अच्छी लगी है तो आप जरूर देख लेना उनको। तो मित्रों इसी के साथ मैंने सोचा कि एक प्रैक्टिकल की क्लास बना देते हैं। जैसे कि मैंने आज सुरंग वायरिंग लेके आए हैं, आज हम मित्रों क्या करेंगे सुरंग वायरिंग का जो प्रैक्टिकल है वो करने वाले हैं। सुरंग वायरिंग कैसे की जाती है, कितने इसमें स्विच प्रयोग किए जाते हैं, कितने इसमें लैंप होते हैं, कैसे कैसे इसको चालू या बंद किया जाता है, इसमें मित्रों ऐसे ही करेंगे। और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे प्रैक्टिकली करके देखेंगे और आपको जलाकर बताएंगे कि कैसे इसका प्रैक्टिकल लिया जाता है। फर्स्ट वीडियो में हम सीधे ही करके देखेंगे और बाद में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या इसको हम बना के भी जरूर देखेंगे। तो मित्रों इसके लिए सबसे पहले आपको करने क्या है, आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि कॉपी पेन पर आप बनाएंगे तो आप ज़रूर सीख जाएंगे इसको। इसके लिए आपको करना क्या है, सुरंग वायरिंग में आपको किस किस चीज़ों की ध्यान रखना है। इसमें क्या है कि आप जितने लैंप लगाएंगे उतने ही स्विच की आवश्यकता पड़ेगी। कितने, जितने लैंप, जैसे अपन को मान लिए तीन अपन को लैंप लगाने हैं तो अपन क्या इसमें करेंगे तीन ही स्विच यूज़ कर लेंगे। क्या कर लेंगे, जितने लैंप उतने ही स्विच इसके अंदर आप अपन यूज कर लेंगे। ठीक है मित्रों, कर लिया अपन ने, उतने ही यूज कर लेंगे अपन। ठीक है, इसके बाद क्या करने, स्विच कौन से यूज़ करने हैं, तो स्विच मित्रों आपको क्या करने हैं टू वे स्विच करने हैं। और ये टू वे स्विच कौन से होते हैं, तो मित्रों वह स्विच जिसके पीछे क्या है टर्मिनल देखेंगे आप तीन कॉन्टैक्ट बिंदु लगे होते हैं वह टू वे स्विच होते हैं। तो वन वे स्विच कौन से होते हैं, वन वे स्विच वो होते हैं जिन स्विचों के पीछे टर्मिनल में क्या है ओनली दो ही टर्मिनल होते हैं, वो क्या वन वे स्विच होते हैं। टू वे स्विच इसके अंदर यूज़ करने, कितने करने, जितने लैंप, जैसे कि अपने के तीन लैंप का किया है। अब आगे देखते हैं इसे कैसे किया जाता है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट पर देख लीजिए मैंने क्या है तीन लैंप ले रखे हैं, ये तीन लैंप हैं, इन तीनों लैंपों के लिए मैंने क्या है तीन स्विच डाल रखे हैं। ये कौन से तीन स्विच हैं, तो ये मित्रों तीनों स्विच कौन से हैं टू वे स्विच है, इनमें क्या है तीन तीन टर्मिनल लगे हुए हैं। कितने, तीन तीन टर्मिनल लगे हुए हैं। अब इनका संयोजन किस प्रकार किया जाता है, तो मित्रों इनके संयोजन के लिए आपको क्या करना होगा, इनके संयोजन के लिए आपको फेज और न्यूट्रल दोनों किसको देने, स्विच को ही देने। क्या देने, फेज और न्यूट्रल। तो फेज आया इन तीनों स्विचों को क्या है प्रत्येक बिंदु के जो नीचे वाला टर्मिनल है उसके अंदर हम फेज डाल देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, न्यूट्रल बिंदु आया, न्यूट्रल को तीनों के क्या है ऊपर वाले बिंदु में से फेज न्यूट्रल बिंदु डाल देंगे। इसके बाद आगे क्या करना है, इसके बाद आगे आपको करना है प्रत्येक लैंप है उसके अंदर क्या है दो दो टर्मिनल होते हैं। कितने कितने होते हैं, दो दो टर्मिनल होते हैं। इन दोनों टर्मिनलों को करना क्या है, प्रत्येक स्विच के अंदर क्या है दो दो टर्मिनल डालने, प्रत्येक स्विच के जो बचे हुए बिंदु बच गए ना बीच वाला टर्मिनल इसमें लैंप के दो टर्मिनल डालने। कौन से, फर्स्ट लैंप का और सेकंड लैंप के दोनों टर्मिनलों को कॉमन किया और लैंप के अंदर डाल दिया। इसी प्रकार क्या है फर्स्ट का एक बच गया और इसके साथ क्या है नेक्स्ट यानी थर्ड लैंप का डाल देंगे, इन दोनों को कॉमन किया इसके अंदर डाल दिया, बाकी बचे हुए दोनों लैंप जैसे सेकंड का एक बच गया और थर्ड का भी एक बच गया और इसी प्रकार से इसमें डाल। इसी प्रकार से हम क्या पूरी वायरिंग को कर सकते हैं, इसमें आप पाँच छः दस कितने भी लैंप लगा सकते हैं। इसमें अपन क्या है दो ही तीन ही लैंपों के द्वारा इसे प्रैक्टिकल को समझेंगे, तीन में अपन अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। और ठीक है जी ये हो गया, इसके बाद क्या करना है लैंप को जलाएं कैसे। तो आपको पता है मित्रों सुरंग वायरिंग के अंदर क्या है दो लैंप एक साथ चलते हैं, इसीलिए अपन क्या इसके अंदर क्या है एक स्विच की जो बीच वाला टर्मिनल है उसके अंदर कितने टर्मिनल लगाएं, दो दो टर्मिनल लगाएं। चलो शुरुआत कर लेते हैं, सबसे पहले स्विच फर्स्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट स्विच के अंदर आया, जैसे ये क्या है ऑन स्थिति के अंदर है, नीचे की ओर अपन ने ऑन किया लैंप को, लैंप को जैसे ऑन किया तो ये देख लीजिए फेज किसके द्वारा चला गया, फर्स्ट लैंप के अंदर फेज चला गया। इसी प्रकार क्या है, इसी प्रकार क्या है सेकंड लैंप का देखिए, यहाँ से ये फेज क्या सेकंड लैंप के अंदर भी फेज चला गया, अर्थात फेज दोनों को मिल गया। अब न्यूट्रल के बगैर तो लैंप जल नहीं सकता, अब न्यूट्रल कहाँ से मिले मित्रों, तो न्यूट्रल के लिए देख लीजिए जो ये लैंप है ये तीन दोनों के लिए स्विच है, ये क्या है ऊपर की ओर स्थिति में होंगे, ऊपर की ओर स्थिति में होंगे तो यहाँ पर क्या ये न्यूट्रल बिंदु, ऊपर की ओर स्थिति में होंगे तो न्यूट्रल बिंदु देंगे, तो यहाँ से ये न्यूट्रल बिंदु है इस लैंप के द्वारा इसमें चला गया। ठीक है जी, ये लैंप तो प्रकाशित हो गया। इसके बाद क्या है ये न्यूट्रल जो थर्ड स्विच है इसके द्वारा न्यूट्रल क्या है सेकंड लैंप पे आ गया, ये देख लीजिए यहाँ से। इस प्रकार आप समझ सकते हैं, इसी प्रकार आप क्या प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है जी, फर्स्ट और लैंप सेकंड लैंप जल गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, यहाँ पर कोई सुंदरता नहीं दिखाई दे रही। ठीक है जी, फर्स्ट और सेकंड लैंप तो जल गया, अब क्या करें अपन नेक्स्ट की ओर चलेंगे यानी आगे चलेंगे सुरंग में, तो आगे चलेंगे तो पीछे वाला लैंप क्या बुझाना चाहिए, ठीक है ऑफ कर देंगे, तो ये किस स्थिति में था। ठीक है जी, फिर हम नेक्स्ट स्विच की ओर गए तो इसको अपन क्या कर दिया ऑन कर दिया, जैसे ऑन किया तो इसका जो न्यूट्रल बिंदु है इस स्विच के द्वारा किसको न्यूट्रल मिल रहा था, फर्स्ट और थर्ड को मिल रहा था।
अब यहाँ से क्या है, फर्स्ट और थर्ड को इसके द्वारा क्या है फेज मिलना शुरू हो गया, तो फर्स्ट को दोनों तरफ से फेज आ रहा है, इधर से फेज आ रहा है, इधर से फेज आ रहा है, तो ये लैंप नहीं जल पाएगा। ठीक है जी, इसके बाद क्या होगा, अपन इस स्विच को ऑन किया तो यहाँ से क्या है, इसको फेज मिल गया और इसको फेज, तो फर्स्ट सेकंड लैंप को क्या फर्स्ट फेज से मिल रहा था, तो ये लैंप और ये लैंप प्रकाशित हो जाएंगे। ठीक है जी, न्यूट्रल कहाँ से मिल रहा है, न्यूट्रल इसको मिल रहा है ना, यहाँ से देख लीजिए, ये न्यूट्रल इन दोनों को मिल रहा है यहाँ से, तो ये लैंप क्या हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। ठीक है जी, अब लास्ट में क्या करेंगे, जैसे अपन सुरंग से बाहर निकलेंगे तो लैंप क्या होना चाहिए, सभी बुझ जाने चाहिए। ठीक है जी, जैसे अपन सुरंग से बाहर निकले तो इस चीज़ को क्या कर दिया, अपने ऑन कर दिया, जैसे इसको ऑन करेंगे तो ये सभी को क्या, इनको भी फेज मिल गया, इनको फेज मिल गया, इनको दोनों लैंप के दोनों सिरों से क्या मिल रहा है, फेज फेज मिल रहा है, न्यूट्रल मिल नहीं रहा, न्यूट्रल के बगैर लैंप चलेगा नहीं। इस प्रकार से यहाँ से हम ऑफ करके बाहर चले जाएंगे। इसी प्रकार का बैक साइड से वापस करें तो वही प्रक्रिया, आप अपनी कॉपी पेन में इसे कर सकते हैं। तो मित्रों आज के लिए ये प्रैक्टिकल था, आपको ये कैसा लगा, अच्छा लगा अपने मित्रों को भी शेयर कर देना, कमेंट करना।